नमस्कार, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहते हैं सियासत जब गर्माती है तो तमाम सियासी पार्टियां उस गर्माहट को महसूस करते हुए जनता के बीच में अपनी बात, अपने मुद्दे, अपनी नीतियां रखने का काम करती हैं और प्रदेश में इसी तरह का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हैं, तमाम पार्टियों की ओर से अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की रैलियां की जा रही हैं। और अक्टूबर के अंत की बात करें या नवंबर के पहले हफ्ते की बात करें तो ऐसे में बड़ी रैलियां हरियाणा प्रदेश में होने जा रही हैं, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना दमखम लोगों के सामने दिखाती नजर आएंगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सत्ता पक्ष में है, जिसकी ओर से अपने 9 साल पूरे करने, प्रदेश में 9 साल सरकार के पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 नवंबर को रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। अमित शाह पहले भी सिरसा में मिशन 2024 यानी कि लोकसभा चुनावों के लिए बिगुल जो है वो फूंक चुके हैं, लेकिन ये रैली महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रदेश में अब चुनावी माहौल जो है वो गर्माता जा रहा है। एक बार फिर से अमित शाह जो है वो आएंगे हरियाणा और उनकी ओर से तमाम नीतियां, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार के 9 साल के कार्यकाल की बात हो, उसको लोगों के सामने रखने का काम किया जाएगा। और ये मंच वो है जिस पर अमित शाह एक बार फिर से विपक्ष पर तलख होते जरूर नजर आएंगे। इसी कड़ी में बाकी विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो वहीं आम आदमी पार्टी, जो कि हरियाणा में अपने अस्तित्व तलाश रही है, लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक 29 तारीख को जो है वो हरियाणा आ रहे हैं। उनकी ओर से भी रोहतक का दौरा रखा गया है। इस दौरे के दौरान जो है वो कई कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग वो वहाँ पर कराने जाएंगे। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम अपने जो पंजाब के मंत्री हैं उनको प्रभारी बनाने का काम किया गया था हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, और अब ये ज्वाइनिंग्स अरविंद केजरीवाल की ओर से हरियाणा के रोहतक में कराई जाएंगी, जहाँ पर उनके साथ मंच पर भगवंत मान जो कि पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस कड़ी में अगर बात करें तो 90 के 90 विधानसभा हलकों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से एक रोड मैप तैयार किया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 90 के 90 विधानसभाओं में जाएंगे। हालांकि इस प्लानिंग के बीच में SRK यानी कि रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा की ओर से खुद को पूरी तरह से दरकिनार कर लिया गया था, उनकी ओर से बिल्कुल किनारा कर लिया गया था। उनका ये कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में 1 नवंबर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा यमुनानगर पहुंचेंगे, जहां पर वो जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। इस मंच पर उदय भान जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं व उनके सुपुत्र राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस मंच पर मौजूद रहेंगे। और इसके बाद लगातार हुड्डा 90 के 90 विधानसभा हलकों में जाकर इसी तरह से जन आक्रोश रैलियां करते नजर आएंगे। हालांकि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में SRK की भूमिका अभी तक कहीं भी चिन्हित नहीं की गई है, यानी कि रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा के इस तरह के कोई प्रोग्राम अभी तक चिन्हित नहीं है, या फिर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच साझा करते नजर आएंगे या नहीं, इस पर भी एक संशय बरकरार बना हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक नाराजगी उनकी ओर से, चाहे वो मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान को लेकर या फिर इस तरह के आयोजनों को लेकर या इस तरह की रैलियों के आयोजन को लेकर है, स्पष्ट तौर पर एक नाराजगी इन तीनों नेताओं की ओर से पार्टी आलाकमान के सामने रखने का काम किया गया था। ऐसे में अब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी व अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, वहीं इनेलो की भी परिवर्तन रथ यात्रा चल रही है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जनता के दरबार में हैं, जनता के बीच में अपनी नीतियां, अपनी काम, अपनी चीज़ें रखने का काम कर रही हैं। लेकिन लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात रखने का काम तो ज़रूर करेंगी, लेकिन अंत में तय प्रदेश की जनता को करना है। तो ऐसे में ये तमाम महत्वपूर्ण रैलियां अब होने जा रही हैं और देखना ये होगा कि रैलियों के मंच से ये अलग अलग नेता किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप व बयानबाजी के दौर की शुरुआत करते हैं।